डॉक्टर अजय आलोक जिस बात का जिक्र यहाँ पर नवल किशोर जी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं साहब कुल मिलाकर मतलब लब्बो लबाब यही ना कि आप लोगों ने एनडीए के अंदर जो सीट बंटवारा वाला फॉर्मूला निकाला है वो दरअसल एनडीए में सीट बंटवारा नहीं, वो महागठबंधन की जीत का नगाड़ा है जो आप लोगों की तरफ से बजाया गया है। डॉक्टर अजय आलोक, महागठबंधन पहले नगाड़ा ले आए उसके बाद जीत का बजाया कुछ अजहार का। अभी सापरा साहब ने इतनी बातें बोली, बीजेपी की बड़ी चिंता है इनको, सब कोई रिसर्च बीजेपी पे ही कर रहा है। अभी नवल भाई बोल रहे थे बीजेपी पे ही रिसर्च, जेडीयू पे ही रिसर्च। अरे अपने बारे में कहाँ है भाई, ये तो वही हाल हो गया कि मेरे घर में आग लगी हुई है, मैं दूसरों के घर में बोल रहा हूँ और देखो देखो उनके घर में पानी घुस गया है, उनके घर में पानी घुस गया, और अपने घर की आग की चिंता ही नहीं है। कांग्रेस का तो वो बुरा हाल है कि कैंडिडेट नहीं मिल रहे। रुमाना जी थोड़ा मदद कर दीजिए आप इनको प्लीज, इनको लखनऊ में कैंडिडेट नहीं है, इनको वाराणसी में कैंडिडेट नहीं है, इनको रायबरेली में कैंडिडेट नहीं है, इनको अमेठी में कैंडिडेट नहीं है, इनको पटना में कैंडिडेट नहीं है, अहमदाबाद में रोहन गुप्ता टिकट लौटा देते हैं। बड़ी समस्या है कांग्रेस के साथ। अब इसके लिए भी मोदी दोषी है पक्का, और कोई दोषी नहीं है। और नवल जी कितनी नौकरियां बांटी है भाई, पेपर खुला हुआ है कि, और कितनी जमीन ले ली फिर से नौकरी बांट के, और जिसको नौकरी बांटे नियुक्ति पत्र दिए उसको 6 महीने से तनख्वाह भी दे देते वो भी नहीं दे रहे हैं, वो भी अब एनडीए की सरकार को करना पड़ रहा है। अजीब तमाशा है भाई, चार चार छह छह फाइलें खुली हुई हैं। अरे पेपर लीक का जवाब तो दे दीजिए। नवल जी एक सेकंड, रोमाना जी कह रही थी सापरा साहब के पास भी और आपके पास भी, पहले सुन लीजिए उनकी बात पूरी। नवल जी पेपर तब, हाँ नवल जी पेपर तब लीक हुआ था, उस वक्त तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे, और हमको आज पता चला, आज हमने परीक्षा कैंसिल कर दी बीपीएससी की, दोबारा पेपर होगा। अब तो योगी जी की तरह ढूंढना है कि पेपर लीक किसने किया, और वो जेल भी जाएंगे। झूठ बोलना भी, खत्म कर लेता हूँ, एक बात खत्म कर लू फिर बोलिएगा ना आप। देखिए सिंपल बात है, पप्पू यादव आप भी जानते हैं, पप्पू यादव कांग्रेस ज्वाइन करिए। अरे पप्पू यादव तो कांग्रेस में थे ही, रंजीता रंजन उनकी पत्नी है, राज्यसभा से कांग्रेस की एमपी है, ज्वाइन कर लिया तो क्या फर्क पड़ गया। आनंद मोहन तो आप ही के साथ, उन्होंने छोड़ के, उन्होंने आपको छोड़ के जेडीयू ज्वाइन कर लिया, क्या कीजिएगा आप बताइए ना। अपने आरजेडी छोड़ के, उनके पुत्र ने आरजेडी छोड़ के, पुत्र ने आरजेडी छोड़ के विधानसभा परिसर में आगे जेडीयू की तरफ बैठ गए। खबर मैं क्या बताऊं, हमने तो जेडीयू के कोटे में सीट दी है, जेडीयू जिसको लड़ा है उसी, जिस तरह से आप कांग्रेस के कोटे में सीट दे रहे हैं कांग्रेस को। अरे अब वो साधु हो गए ना, यादव ने विधानसभा में तभी कह दिया था ना कि वो समझ रहे हैं कुछ मजबूरियां होंगी, इसी वजह से वो आरजेडी के साथ ना बैठकर उधर दूसरी तरफ जाकर बैठ गए हैं बीजेपी के साथ, ये कह दिया था तेजस्वी यादव ने उसी दिन विधानसभा में, चेतन आनंद जब जाकर बैठे हुए थे। हाँ कैंडिडेट पर जवाब ले रही हूँ भाई, मैं क्यों ढूंढू, सापरा साहब बताएंगे, उनकी जिम्मेदारी है ढूंढने, शादी करनी पड़ रही है। सापरा साहब आइए प्लीज। अच्छा उधर भी महतो ढूंढने के लिए शादी करनी पड़ रही है, वो उन्होंने महतो जी ने शादी कर ली, लेकिन सापरा साहब ये जो अभी इन्होंने गिनाया कि उत्तर प्रदेश की तमाम सीटों के नाम, अरे अजय सिंह कांग्रेस के पास क्या था, आइए नहीं नहीं देखिए इन्हें कांग्रेस की कितनी चिंता है और कांग्रेस की सीटों की कितनी चिंता नजर आ रही है। अरे भाई ये देखिए कि साउथ के अंदर 114 सीटें ऐसी है जहां पर बीजेपी का नामो निशान नहीं है। खैर मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं, ये विषयांतर करना चाहते हैं, ये ध्यान भटकाना चाहते हैं। ये जो 2024 का चुनाव है ना, ये मोदी वर्सेस मुद्दा वाला चुनाव है। एक तरफ ये नरेंद्र मोदी जी की प्रोजेक्शन कर रहे हैं और दूसरी तरफ विपक्ष के पास में मुद्दे हैं। मुद्दे क्या है, देश के अंदर महंगाई ये सबसे बड़ा मुद्दा है। आज जो जीवन आवश्यक वस्तुओं के भाव जो बढ़ गए हैं, जो जीवन आवश्यक वस्तुएं आटा चावल दाल दही दूध, जिसके ऊपर इन्होंने जीएसटी लगा दी है, हवाई चप्पल से लेकर के हवाई जहाज तक जीएसटी लग गई है। आज जो एलपीजी गैस जो 1,000 रुपए में मिल रही है या पेट्रोल डीजल 100 रुपए के करीब पहुंच गया है, ये मुद्दे हैं, ये जनता के मुद्दे हैं, ये धरातल के मुद्दे हैं। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।